योगी सरकार के राज में कानून व्यवस्था के खिलाफ लगातार उठ रही आवाजों के बीच एक घटना ने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। दरिंदगी की हद पार करने वाली इस घटना से अमेठी हो या सुल्तानपुर या फिर पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया। यूपी के हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई दलित गुड़िया जिंदगी से जंग हार गई। हैवानों ने गैंगरेप के बाद उसकी जीभ भी काट दी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई थी। वारदात के बाद वह एक हफ्ते से ज्यादा बेहोश रही थी। सोमवार को ही हालत खराब होने के बाद किशोरी को एम्स दिल्ली ले जाया गया था। मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल परीक्षण में पता चला था कि युवकों ने गैंगरेप के बाद पीड़िता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला था। पुलिस ने इस मामले में छेड़खानी के आरोप में FIR दर्ज की थी। 21 सितंबर को किशोरी के होश में आने के बाद किए गए डॉक्टरी परीक्षण के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पीड़िता ने होश में आने के बाद यह भी बताया था कि आरोपियों ने उसकी जीभ काट दी थी, जिससे वह लोगों को घटना के बारे में न बता सके। इस घटना के बाद यूपी सरकार ने पीड़िता के परिजनों को 10 लाख मुआवजे की घोषणा की और हर संभव मदद और न्याय का आश्वासन दिया। लेकिन इस हृदय विदारक घटना ने आम इंसान को झकझोर कर रख दिया और देखते देखते पूरी यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। वापसी से खून की बदबू आती है। पुलिस की धमकी वापसी से खून की बदबू। अमेठी में जहां कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर अपने गुस्से का इजहार किया, वहीं सुल्तानपुर में भी सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च के जरिए पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी पर न्याय की गुहार की। उसके साथ हवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। गैंग रेप के बाद उसकी जुबान तक काट दी जाती है, उसको बुरी तरह घायल किया जाता है। आज जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जिसके ऊपर उसने FIR कराई, पहली बात तो 8 दिन तक FIR नहीं दर्ज हुई, और जब उसकी मृत्यु हो गई वो ऊपर चली गई तब उसके हत्यारों को आज जेल भेजा गया। पुलिस क्या दिखाना चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या दिखाना चाहती है? वो हत्यारों को संरक्षण दे रही है, हत्यारों को बचाने पे लगी है, अपराध बढ़ाने के लिए लगी है कि कम करने के लिए लगी है? इससे यही प्रतीत होता है कि पुलिस अपराध को बढ़ाने चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार का न प्रशासन पे कोई अंकुश है, न पुलिस प्रशासन पे अंकुश है, न अपराधियों पे अंकुश है। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस तरह के लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आज जब हम लोगों को सूचना मिली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया, हम लोग आज बेटी के ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और आत्मा की शांति के लिए, और कैंडल मार्च निकाल के हम लोग आज यहाँ पे इस सरकार के विरोध में अपना जता रहे हैं। यूपी के हाथरस में इस घटना ने जहां एक तरफ प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया, वहीं बेटियों के लिए सुरक्षित प्रदेश का दावा भी शून्य कर दिया। ऐसे न जाने कितने प्रकरण हैं जिसने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अभी हाल ही में सुल्तानपुर के बल्दीराय थाने में एक पत्रकार की बेटी को दबंगों ने जिंदा जला दिया था। इस घटना के बाद अब इलाके में इस घटना की भी चर्चाएं जोरों पर है। अब देखना ये होगा कि अपाहिज हो चुके यूपी कानून व्यवस्था को योगी सरकार कैसे और किस बैसाखी के सहारे खड़ा करती है। अमेठी से रत्नेश अग्रहरी और सुल्तानपुर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।